हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 5 के सिलेबस को। अगर आप बेबी एमकेयू बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो सेमेस्टर 5 का सिलेबस है इंग्लिश ऑनर्स का, उसमें टोटल दो पेपर्स होंगे, कोर पेपर 11 और कोर पेपर 12। तो चलिए देखते हैं पहले कोर पेपर 11 में क्या क्या पढ़ना है, फिर देखेंगे कोर पेपर 12 को। कोर पेपर 11 में हमें पढ़ना है वुमेन्स राइटिंग। इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 यूनिट दिए हुए हैं। पहला यूनिट में है हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म एंड वुमेन्स राइटिंग इन द वेस्ट एंड इंडिया। दूसरे यूनिट में है नोट्स ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स और टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, जैसे कि एनार्का फेमिनिज्म, ब्लैक फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म, इको फेमिनिज्म, ज्ञानो क्रिटिसिज्म, आई फेमिनिज्म, लिबरल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म, मल्टी रेशियल फेमिनिज्म, पैट्रियार्की, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, ट्रांस फेमिनिज्म एंड अदर कंटेम्परेरी टर्म्स। इन कस्टडी, इन कस्टडी एक नॉवेल है जिसे लिखा था अनीता देसाई ने। और हमारा जो फोर्थ यूनिट है, यूनिट 4 में हमें पढ़ना है द ब्लूएस्ट आई। ये भी एक नॉवेल है जिसे लिखा है टॉनी मॉरिसन ने। यहाँ पर हमारा कोर पेपर 11 खत्म होता है। अब बढ़ते हैं कोर पेपर 12 की तरफ। ये रहा हमारा कोर पेपर 12 का सिलेबस, जिसमें हमें पढ़ना है ब्रिटिश राइटिंग, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी का हमें पढ़ना है। इसमें भी टोटल 4 यूनिट्स हैं। पहले यूनिट में हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। टाइमलाइन दे दिया है 1900 से 1950 तक इन इंग्लैंड, विद सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस एंड मूवमेंट्स अलोंग विद इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ये हमारा यूनिट 1 हुआ। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है वाइल्ड स्वान्स एट कूल, जो कि है डब्ल्यू बी येट्स का। ये एक पोयम है। यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट भी है यूनिट 2 में ही। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये वाला है हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। ये भी एक पोयम है, एक सॉन्ग है, जिसे लिखा था टी एस एलियट ने। हमारा जो थर्ड यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है, थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है कैंडिडा, जिसे लिखा है जी बी शाह ने। और दूसरा है द हार्ट ऑफ द मैटर, जो कि है ग्राहम ग्रीन का। यूनिट 4 में हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसे लिखा था टी एस एलियट ने। ये एक एशे है। तो यहाँ पर हमारा कोर पेपर 12 का भी सिलेबस ख़त्म होता है। आई होप वीडियो के थ्रू आपका हेल्प हुआ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।